ओम शांति। 24 मार्च 2009। सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना? आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो, कर्मणा से गुणदान दो। अगली मुरली है 15 दिसंबर 2009। बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि क्या कहते हैं बार बार बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं? रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुख में संसार बदल कर सुख में संसार आना ही है, तो सुख में संसार आने के लिए या दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। तो पहली मुरली है 2009 की 24 मार्च की और दूसरी है 15 दिसंबर की। तो क्या कह रहे बाबा, अभी विश्व की आत्माओं को किस चीज की आवश्यकता है? खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए समय अनुसार अब क्या बनो? दाता बनो। यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं प्रति रहम दिल बनो, क्योंकि आत्माएं दुख अशांति के कारण दिल से कहती है कि रहम करो, दया करो। और आपका उमंग है ही क्या? दुख मई दुनिया, दुखमयी संसार बदलकर सुखमयी संसार आना ही है। तो सुखमयी संसार आने के लिए या दुख अशांति का विनाश करने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो, चाहे मनसा वाचा, चाहे चेहरा चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाओ। तो संसार की आत्माओं को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या बनना है? रहम दिल बनना है, दाता बनना है, मनसा वचा कर्मा चेहरा चलन सबसे सेवा करनी है। रहम दिल बनना है। रहम अर्थात क्या? मर्सी, कंपैशन, कल्याण की भावना। रहम किस पर किया जाता है? जिसने कोई अपराध किया है, ऑफेंडर, रहम उस पर किया जाता है ना। तो जिसने कोई अपराध किया है तो उसका अपराध क्षमा करना, यह रहम की भावना लगती है यहाँ पर। एक तो अपराधी पर और जो कमजोर है उस पर, जो जख्मी है उस पर, वह मर्सी से कहा जाता है। जो वॉर के विक्टिम होते हैं, चाहे यहाँ के या उधर के, चाहे हमारे या दुश्मन के, उनकी सेवा करना वॉर विक्टिम्स की, उसे कहा जाता है वर्क्स ऑफ मर्सी। तो वो वर्क्स ऑफ मर्सी क्रिश्चियन मिशनरीज काफी करते हैं ये। तो जो जख्मी है उनके ऊपर, और कमजोर, जख्मी, अपराधी और असहाय है, निरीह, असहाय, हेल्पलेस, हैपलेस, जो बिल्कुल ही असहाय स्थिति में है। अच्छा, फिर है जो परवश आत्माएं हैं, उनके ऊपर रहम किया जाता है। और बेसहारा, होपलेस, कोई सहारा नहीं है जिनका, वो पहला वही बोला ऑफेंडर्स। ऑफेंडर अर्थात जो गलती करते हैं, अपराध करते हैं। अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है?
क्षमा तो रहम जो है कंपैशन कहो मर्सी कहो ये ईश्वर का गुण दिखाया है सभी धर्मों में सभी शास्त्रों में करुणा सिंधु दया सिंधु भगवान क्या है करुणा सिंधु है दया सिंधु है हे प्रभु मेरे पाप बेहद है पर तेरी दया भी बेहद है मेरे अपराध अनगिनत है परंतु तेरी कृपा और तेरी दया भी तो अनगिनत है तो करुणा सिंधु दया सिंधु कोमलचित अतिदीन दयाला बिनु कारण रघुनाथ कृपाला रघुनाथ जो है बिनु कारण बिना किसी कारण के ही कृपा करने वाला है कॉजलेस मर्सी कोई कारण नहीं है यह उसका स्वभाव है कृपा करना दया करना रहम करना तो दया सिंधु फिर क्रिश्चियनिटी में ओशन ऑफ मर्सी ओशन ऑफ कंपैशन परमात्मा जो है ओशन ऑफ कंपैशन है सब पर कृपा करने वाला वो दिखाते हैं बाइबल में कि एक स्त्री है जो कि वेश्या है वो आती है और जीसस क्राइस्ट के पैर अपने बालों से पोंछती है जिसमें बहुत कीमती इत्र लगा हुआ होता है उस समय वो किसी एक अमीर आदमी के घर भोज पर बुलाया गया होता है वहां वो सब बैठे वहां वो आती है और अपने पैर अपने बालों से उसके पैर पोंछती तो एक शिष्य कहता है पहला तो दो प्रसंग है ऐसे एक जगह उसका शिष्य कहता है ये जो इतना महंगा इत्र है अगर इसको बेचकर पैसे जो मिलेंगे वो अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो कितना पुण्य का काम होगा तो वो कहता है कि ये इत्र आ सकता है पर मैं नहीं आऊंगा फिर से इसके लिए करने दो उसे जो कर रही है पैसे तो आ जाएंगे पर मैं वापस नहीं आऊंगा दूसरी एक जगह उसने यही प्रसंग है जिसमें कहा है वो जब पहुंच रही है तो वो जिसके घर भोज के लिए बुलाया था वो व्यक्ति अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि शायद इसको पता नहीं ये कौन है ये जो स्त्री आई है और ये उसको जैसे अनुमति दे रहा है अपने पैर पोंछने के लिए उसके बालों से इसको शायद पता नहीं ये स्त्री कौन है परंतु वो कहता है कि मुझे पता है वो कौन है और वो एक उदाहरण देता है कि यदि किसी साहूकार व्यक्ति ने दो व्यक्तियों को कुछ पैसे उधार दिए किसको उधार दिए पहला व्यक्ति है उसको 500 रुपए दिए और दूसरा व्यक्ति है उसको 100 रुपए दिए अब ये दोनों व्यक्ति जिनको उधार दिया एक उसमें से गरीब है एक थोड़ा सा साहूकार है जिसको 500 रुपए दिए थे उस साहूकार व्यक्ति ने उसका खर्चा माफ कर दिया और जिसको 100 रुपए दिए थे उसका भी कर्जा माफ कर दिया तो ज्यादा धन्यवाद कौन करेगा जो कि गरीब था और जिसने 500 रुपए दिए थे और जिसका ज्यादा पैसा माफ हुआ वो ज्यादा धन्यवाद करेगा जिसके ज्यादा पाप है यदि उसे माफ किया जाता है वो रहम का भाव है तो क्रिश्चियनिटी में वर्क्स ऑफ मर्सी गरीबों की सेवा करना मिशनरी वर्क जो है वो सब क्या है सब यही है विवेकानंद के जीवन में है कि उसने ये सारा जो किया है मठ की स्थापना या फिर मिशनरी वर्क्स उनके सन्यासी वो कोई वैसे सन्यासी नहीं है सेवा करने वाले शिव ज्ञाने जीव सेवा शिव के ज्ञान के आधार पर जीव की सेवा करना वर्शिप ऑफ मैन एज गॉड तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे कईयों की मान्यता है कि जब वो विदेश गए थे क्योंकि उनके गुरु ने इस तरह का कभी नहीं सिखाया था वो तो ज्यादा भक्ति सिखाई थी पर जब विदेश गए और विदेश के मिशनरीज को देखा वहां पर सेवा करते हुए किसकी किसकी सेवा जो अनाथ है वो
जो बीमार है वो वॉर विक्टिम्स है वो, तो फिर उनके मन में वो भाव जागृत हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना है, केवल सन्यासी बनकर नहीं रहना है, लोगों की सेवा करना है, जो दरिद्र नारा जो दरिद्र है उनकी सेवा करनी है। मानव सेवा अर्थात माधव सेवा अर्थात मानव सेवा है, तो वो जो कॉन्सेप्ट वहां से आया था। तो उस सब के पीछे भाव कौन सा है? मर्सी का, कंपैशन का। जो दुखी है, द लॉस्ट द लोएस्ट एंड लोवलीएस्ट, जो भटक गए हैं, जो लोएस्ट है लोवलीएस्ट सबसे निचली जाति के, ऐसो की सेवा करना। जे कारण चले कांसले क्यासी मने सो आपुले, उनको जो अपना कहे वह वास्तव में सेवा है। तो क्रिश्चियनिटी में फिर है इस्लाम, खुदा का क्या नाम है इस्लाम में, 99 नेम्स है टोटल, 99 ही क्यों है, 99 नाम है अल्लाह के इस्लाम धर्म में। हाँ मुस्लिम में 99 है, 99 पर क्यों रुक गया, 100 क्यों नहीं है 99 का फेरा, 100 क्यों नहीं है, सवा भी है परंतु अज्ञात है। ये तो मनुष्यों के रखे हुए नाम है, इसके लिए 100 छोड़ दिया है, 100 है सवा पर क्या नाम दे, वो खुद अपना नाम बता सकता है। ऐसा एक जगह लिखा हुआ है सूफियों की किताब में, ईश्वर के 99 नाम है पर उनका कहना है कि उसका वास्तविक नाम तो वो जब खुद आएगा तभी बताएगा। ये हमारे दिए हुए मनुष्यों के नाम है सारे, उसमें से दो नाम दया कृपा पर है, अल रहमान और अल रहीम। अल रहमान और रहीम, रहीम और रहमान दोनों ही शब्द रहमत से आए हैं। रहमत अर्थात आपकी कृपा दया अनुकंपा रहमत, कृपा दृष्टि। इसलिए इस्लाम के पिलर्स जो है उसमें चौथा पिलर जो है वो है ज़कात, अर्थात गरीबों को दान करना। ये कैसे होगा? रहम से। तो क्रिश्चियनिटी में उसी तरह यहूदी धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। उसी तरह दो और महत्वपूर्ण धर्म है भारत के, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, करुणा। बिना करुणा के ये दो धर्म अपूर्ण है। करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके पीछे भी भावना कौन सी है? रहम की, कृपा करने की। तो दया और कृपा और रहम, ये जो बातें हैं ये कोई नई नहीं है, द्वापर से ही चालू हो गई है। परंतु हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है फिर, क्योंकि सभी धर्मों ने दया को ऊंचा माना है। तो दया किस पर की जाए? जो गरीब है। अगर संसार में, सोसाइटी में गरीबी ना हो तो तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? क्योंकि बिना तो दया किए स्वर्ग में जा नहीं सकते। और दया करने के लिए गरीब चाहिए, अनाथ चाहिए, दुखी चाहिए, लाचार चाहिए, बेबस चाहिए, परवश चाहिए। तो ऐसे अगर लोग नहीं रहे समाज में तो गरीब नहीं हो सकते। इसके लिए उनको क्रिएट करना चाहिए, उनका निर्माण, और तभी तुम स्वर्ग में जा सकते। इसके लिए गड़बड़ ये हुई कि मर्सी जो है दो प्रकार की है, एक है अहमवादी, एक है निरंकारी। एक है अहंकार को पूर्ण करने वाली, मतलब अपना स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ क्या है? स्वर्ग जाना है। उसके लिए क्या होना है? रहम दिल बनना है। परंतु रहम करे किस पर? अगर सभी सुखी है संसार में तो ऐसा समाज में रहम नहीं हो सकता है, और स्वर्ग में जाने की कामना भी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो पहले क्या करो? पहले गरीबों की उत्पत्ति हो, तब कहीं हम उन पर रहम करें। तो समाज का जो ढांचा है, इसके लिए एक फिलोसोफर उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्या नाम, कारपात्री, स्वामी कारपात्री। उसने समाजवाद पर बहुत सारा काम किया है और उसने बहुत अपना सिंसियर ओपिनियन लिखा है कि ऐसा है कि समाज में जब तक दुखी नहीं होंगे तब तक रहम नहीं किया जाएगा, और रहम नहीं किया जाएगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए गरीबों का होना, दुखी आत्माओं का होना, एक सन्यासी होकर उसने ये सब लिखा है। बाकी तो सब छिपा के रखते हैं,
क्रिश्चियन मिशनरीज ये सब बातों को छिपा के रखते हैं। वो क्या कहते हैं, रहम करना मतलब ये तुम्हारे पापों का फल है, अगर कोई दिखा गरीब वगैरह उसको समझाते हैं ज्ञान कर्मों का हिसाब है, ऐसा है बस उसको याद करो, ऐसे सब चीजें मिशनरी समझाते रहते हैं। परंतु उसके पीछे स्वार्थ उनका ये होता है कि ये क्रिश्चियन बन जाए। उनके रहम के पीछे स्वार्थ क्या होता है, जैसे कि स्कूल खोल लिए अभी गरीबों के लिए, अभी वो स्कूल का लक्ष्य क्या है कि सब जो स्कूल में जाए कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियन में, तो अभी ये रहम है क्या है? तो रहम भी दो प्रकार का, एक स्वार्थ वाला एक निस्वार्थ वाला, एक अहमवादी एक निरंकारी वाला। ईगोलेस, ईगोलेस के लिए इंग्लिश शब्द हिंदी शब्द क्या है मुझे पता नहीं, ईगोइस्टिक कहते हैं और ईगोलेस कहते हैं। निरंकारी और वो शब्द अलग प्रकार के हैं, परंतु इस तरह का रहम ना हो। तो रहम बाबा क्या कह रहे हैं, रहम दिल बनो, आत्माएं दुखी है अशांत है। हमें क्या करना है, कल भी कहा था लास्ट आत्माएं जो कैसी है, कमजोर है, लेने की भी शक्ति नहीं है, तुम उन्हें दो वरदाता बनकर। तो ऐसी संसार की आत्माओं की हालत है, इन पर कृपा करो, दया करो, रहम करो। क्रिश्चियनिटी में और एक चीज एक जगह लिखी हुई है बाइबल में, प्रोडिगल सन, द पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन। प्रोडिगल शब्द खर्चीला, जिसने सब उड़ा दिया है। एक पिता है, जीसस क्राइस्ट उदाहरण देता है कि एक पिता है, उसके दो बेटे हैं। छोटा बेटा एकदम निकम्मा है, बड़ा बेटा बहुत कर्मशील कर्मठ है। परंतु छोटा बेटा कहता है मुझे अपनी जायदाद चाहिए, अभी पिता जिंदा है अच्छा है, वो कहता है नहीं मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो, अभी से डिवाइड कर दो हिस्सा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो पिता कहता है ठीक है, दो भागों में हिस्सा कर देता है। और वो छोटा बेटा अपने सारे पैसे लेकर किसी विदेश में जाता है, सब कुछ उड़ा देता है और एकदम गरीब बन जाता है। और दूसरा जो बेटा होता है बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है खेतों में खलियानों में, और बहुत पैसे भी और अधिक बढ़ाता है। अभी ये जो गरीब बेटा है उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि जो जानवरों को भी खाना जो मिलता है वो भी उसे नहीं नसीब होता है। वो जानवरों को देखकर, उसमें वर्णन है, वो पिक्स जो होते हैं सुअर, उनका भोजन देखकर भी उसे थोड़ा लगता है कि मुझे कम से कम ऐसा तो मिल जाए। फिर कोई उसे एक दिन बताता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिता का कितना बड़ा महल है बंगला है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते, वहां जाकर तुम नौकरी कर सकते हो। वो कहता है हाँ मेरे पिता ने तो मुझे, अब तो लेंगे नहीं वैसे, तो क्यों ना मैं पिता के पास जाऊं और कहूं कि मुझे आप दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में अपने पास रख लो, तो मैं बाकी जैसे सर्वेंट काम करते वैसे मैं भी करूंगा। तो स्टोरी का नाम ही है रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन। तो वो वापस आता है, पिता को पता चलता है कि बेटा वापस आ रहा है, पर कैसे वापस आ रहा है, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खर्च कर दिया, जो भी दिया था सब कुछ खत्म कर दिया उसने। तब बड़ा बेटा खेत में रहता है, तब तक ये छोटा बेटा आता है, तो उसके स्वागत की तैयारियां होती है। ये कहानी जो है मुरली में जो एक शब्द आता है वो इसी कहानी से लिया हुआ है। मुरली में रोज एक शब्द आता है, रोज, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, ये जो शब्द आता है इसी बाइबल की कहानी का है। तो वो छोटा बेटा आता है तो पूरे महल को सजाया जाता है और उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, बंधनवार सब कुछ लगाया जाता है, पूरा सजावट होती है, और उसका स्वागत करते हुए उसे ले आता है वो अपने बेटे को। बेटा तो सोचता है मैं दास सर्वेंट बन के रहूंगा अपने पिता के और सैलरी लूंगा जो भी मिलेगी, पर वो तो उसका इतना स्वागत करता है कि फिर जो बड़ा बेटा उधर से आता है और देखता है ये क्या हो रहा है, मेरे लिए तो आज तक ऐसा कभी नहीं किया, मैं इतना दिन रात काम करते रहता हूँ, तुम्हारी हर आज्ञा को मानता हूँ, और मेरे लिए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और तुम्हारे इस बेटे के लिए जो कि संपूर्ण निकम्मा है, कामचोर है, सब कुछ उड़ा दिया है, ऐसे के लिए तुम ये सब कर रहे हो, मेरे लिए आज तक का बहुत गुस्सा होता है अपने पिता पर। तो पिता उसको समझाते हैं कि तू तो यहां था ही,
तू तो मेरा है ही, तुझे बताने की तो आवश्यकता ही नहीं, परंतु ये मर चुका था. ही वॉज लॉस्ट एंड नाउ फाउंड. सिकिलदा ये है जो कि खो गया था, मर चुका था, अब फिर से मिला है. क्रिश्चियनिटी में कहानी को इस तरह बताया जाता है कि पिता जो है वो परमात्मा है. चाहे कितनी भी गलतियां करे कोई, यदि वो वापस आ जाए तो वो पिता उसे माफ कर देता है. रहम. ऑफेंडर्स जो कहा ना सबसे पहला पॉइंट, जिसने गलती की है, अपराध किया है, पाप किया है, उस पर रहम, उस पर कृपा. यह रहम का भाव है. हमें किस पर रहम करना है? अब क्या कहा बाबा ने, जो ज्ञान छोड़कर चले गए उनको वापस लाना है, उनको चिट्ठी लिखो, उनका स्वागत करो, टोली पहुंचाओ, भोग पहुंचाओ, पूछो भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्यों चले गए, हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया. ये सबसे बड़ी सेवा जो रही हुई है. जो नए नए लोगों को तो लाते हैं हम, वीआईपीस को लेके आते हैं, शिविर में लेके आते हैं आत्माओं को, कॉन्फ्रेंस में ले आते हैं, सब जगह ले आते हैं, पर जो आए यहां रहे, बाबा से मिले, मधुबन में सेवा की, सब कुछ देखा सुना, सब कुछ अनुभव किया है यहाँ का ब्राह्मण जीवन में, और फिर बाद में छोड़ के चले गए, उनका क्या, उनकी सेवा कौन करेगा, उनको कैसे वापस लाएंगे? तो उसके लिए प्लानिंग क्या करे, क्या मनसा से सकाश दे, आह्वान करे, उनके घर में जाकर उनसे मिले, पूछे, माफी मांगे, क्या करे? ये सेवा तो रही हुई है. हम रहम दिल है. हम रहम दिल है, चाहे कोई कैसा भी है. चाहे कोई कैसा भी है. रामायण में दिखाए हैं, वो विश्वामित्र राम से कहते हैं, वो शिला को देखकर, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर कृपा करो. वो शिला जो है अहिल्या, केवल तुम्हारे रज के लिए वेटिंग में है. चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुनाथ, हे रघुवीर कृपा करो उस पर. तब वो कृपा करता है. तो ऐसे कृपा निधान, कृपा सिंधु हम है. तो सब पर कृपा, सब पर कृपा करनी है. कृपा करो तो तुम पर कृपा होगी. हैव मर्सी एंड यू शैल बी शॉवर्ड विथ मर्सी. जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब की हुई. हम पर हुई है ना, तो इसके लिए सबकी हम पर हो रही है, और उसका रिटर्न अभी हमको सब पर कृपा करना है. तो किस पर कृपा करना है? जो छोड़कर चले गए, एक. दूसरा छोड़कर में कहां जाऊं. सही में बोलते हैं कि बहुत देख लिया, अभी तो यहाँ रुकना नहीं है, बस जाने की तैयारी में, कहीं मिल जाए कहीं जॉब या कुछ, तो बस यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाएंगे. और तीसरा किस पर कृपा करेंगे, किस पर दया करेंगे? आज परवश है, दुखी है, अशांत है, पहले जिन्होंने बहुत हमारा अपमान वगैरह किया था, जब इनविटेशन देने गए थे, दो घंटा तो वेट किया था बाहर, और बाद में अंदर जब गए कि चलो मधुबन, तो बिल्कुल अच्छे से बात नहीं की थी, तो हमने भी सूक्ष्म में सोच दिया था, सोचा था इसके बाद कभी नहीं जाएंगे, अब बहुत हो गया. जो थोड़े विरोधी है यज्ञ के, निगेटिव है, अपोज करते है, टॉन्ट करते है, निंदा करते है, हास्यपान व्यंगवान छोड़ते हैं बार बार ऐसों पर, और किस पर देवेंद्र भाई, किस पर दया करेंगे, कृपा करेंगे? जो भूल में है, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, अब तक जाना नहीं है जिन्होंने, और चाहते भी नहीं जानना. उन सब पर,
सब पर रहम दिल सब पर कृपा। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, चाहे व्यक्तिगत हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ गलत किया हो, वो सारे पॉइंट्स उसमें आ गए, ग्लानि निंदा अपमान सब षड्यंत्र बहुत कुछ किया है, परंतु ये युग ही चढ़ती कला का युग है। युग ही बदल रहा है तो आत्माएं भी बदलेगी, ये भाव को भूलना नहीं है। जब सारा के सारा युग बदल रहा है तो आत्माएं भी बदलेगी, तो क्या करना है, रहम दिल। इसके बाद में एक नया सीरीज चालू होगा ज्वालामुखी योग, तो वो ज्वालामुखी योग जो होगा वो 3 दिन होगा, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, और थर्सडे जो है एक दिन हम एक नया चालू कर रहे हैं प्रश्न उत्तर, जिनके जिनके जो भी प्रश्न है ज्ञान से संबंधित, सेवा से संबंधित, योग से संबंधित, वो सारे प्रश्न एक ईमेल आईडी एक नया बनाया है, तो वो ईमेल पर भेजना है। तो यहाँ नाम नहीं बताया जाएगा, वो खाली प्रश्न और उसका संगठन में उत्तर निकाला जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी है पर वहां एक व्यक्ति उत्तर देता है। यहाँ जो प्रश्न होंगे जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा से संबंधित, मेडिकल वाले नहीं, कमर दर्द पेट दर्द वो सब नहीं, हाँ ये ज्ञान से नहीं, वो नहीं नहीं वो पता है क्या बोल रहे, योग लगाते साइकोसोमेटिक नहीं केवल, हाँ चलो वो चलेगा, हाँ ठीक है, योग लगाते समय बाकी नहीं, तभी योग लगाओ सिर दर्द चालू, होमवर्क मिलते ही पेट दर्द, बुखार। तो एक दिन वो जो प्रश्न है सारे वो ईमेल आईडी पर भेजना, फिर सुशील भाई उसको छाटेंगे कि कौन से इधर लेने हैं, और फिर उसका संगठन में चिंतन करके उत्तर निकालेंगे। हफ्ते में एक दिन और केवल 4 प्रश्न, कुछ भी प्रश्न हो सकते हो, परंतु ज्ञान योग से संबंधित होने चाहिए, सेवा से संबंधित, सेंटर से संबंधित, सेंटर की सेवाओं में वृद्धि कैसे हो, इस तरह से सारे ज्ञान योग से जो भी प्रश्न है संबंधित वो सभी। और उसका फायदा हमें लगता है ऐसा होगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति का उत्तर नहीं होगा, संगठित उत्तर होगा और हर एक ही प्रश्नों को अलग अलग रीति से देखता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा रस होगा, ज्यादा वैरायटी होगी। जो प्रश्न पूछने वाले हैं दूर दूर बैठे हुए, उनको थोड़ा एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर सोचते रहा तो बस एक ही तरह से सोचता है, पर कई सारे व्यक्ति अगर उस प्रश्न के बारे में सोचते हैं तो नए नए आइडियाज आती है करने की, जो हमने सोची ही नहीं थी कि करना चाहिए, वो हमारे माइंड में स्ट्राइक ही नहीं होती है कभी, चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो। जैसे न्यूटन के जीवन में दिखाया है, वो इतना होशियार था, इतना होशियार था, एक बिल्ली से उसे प्यार हुआ था नहीं, दो बिल्लियों से। तो उसने क्या किया, दो, एक छोटी बिल्ली थी एक बड़ी बिल्ली थी, तो वो घर में आते थे उसके, तो उनको जरा तकलीफ होती थी खिड़की से आने में, तो उसने 2 छेद बनाए, एक छोटा छेद और एक बड़ा छेद, ताकि छोटे छेद से छोटी बिल्ली आए, बड़े छेद से बड़ी बिल्ली आए। तो उसके एक दिन मित्र आया, उसने कहा तुमने 2 छेद क्यों बनाए, उसने कहा 2 नहीं बनाए तो क्यों, क्योंकि 2 बिल्ली आए। उसने कहा अरे बड़ा अगर बना देते तो उसमें 2 आ सकती थी, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक उसने कहा ये मुझे मतलब ये आइडिया ही नहीं आई मेरे मन में यहाँ भी ऐसे न्यूटन बैठे हुए हैं, तो हमारे बुद्धि में भी कोई कोई बातें है, हाँ कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है, तो ये जो चीजें हैं हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है, मतलब एक समस्या है, हम एक ही रीति से सोच रहे हैं, बस एक ही दृष्टिकोण है, बस उसी से सोच रहे। जैसे एक विदेशी उस दिन मिले थे, उनको एक दूसरा भाई मिला, तो विदेशी कहने लगा ना मैं ना बहुत फेमस हूँ बहुत, तो उसने एक बात बहुत अच्छी कह दी, यू हैव इनवाइटेड दैट, मतलब वो किसी और बात के लिए कह रहा था, अपनी उसका विस्तार इतना हुआ है जॉब का, उसकी बिजनेस का, तो कहता था मैं इतना फेमस हो गया उधर बिजनेस में कि सब लोग मेरे से ही आना करना चाहते, इसलिए मुझे ज्ञान योग में समय नहीं मिलता, तो उसने कहा था यू हैव इन्वाइटेड, तुमने इन्वाइट की है वो प्रसिद्धि एक नया दृष्टिकोण है केवल। तो जब संगठन में किसी प्रश्न का उत्तर निकाला जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल योग में नींद आना, ऐसे सारे प्रश्न है, मुरली में नींद आना,
इस क्लास में नींद आना, ये तीन प्रकार की नींद है, तीन प्रश्न योग में नींद, क्लास में नींद, मुरली क्लास में, और जब चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, उसमें नींद, उसमें भी नींद। तो उसमें क्या किया जाए, जैसे नींद का हो गया, योग शक्तिशाली कैसे हो उसका हो गया, व्यर्थ संकल्प हो गया, तो इसके संगठन में उत्तर निकालेंगे, तो थोड़ा वैरायटी होगी। तो आज से प्रश्न भेजना चालू कर दो, वो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे चलेगा, इंग्लिश में हो गया तो भी उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी, और थोड़ा छोटा 10-10 पेजेस का प्रश्न नहीं लिखना है। लोग बहुत बड़े बड़े प्रश्न लिखते हैं, इतने बड़े बड़े बड़े, पूरी पूरी उनकी कहानी, फोन आते तो पहले आधा घंटा बात करनी है, उसके बाद ही पूरा नॉन स्टॉप ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो प्रश्न छोटा हो कम से, हाँ वो जितने भी हो, फिर हम जो लेना है वो आपके selfprogress8@gmail.com इस मेल पे अपना प्रश्न लिख के भेजना है, तो फिर उसकी यहाँ चर्चा होगी, ठीक है।